टॉपिक इज हिमोडायसिस इसमें वर्ड पकड़िएगा एक वर्ड ही मतलब है एक <laughs> वर्ड है हीमो uh, का मतलब क्या होता है ब्लड्लोबिन ब्लड क्योंकि ब्लड में आरबीसी होता है आरबीसी में भरा पड़ता है कौन हिमोग्लोबिन डायलिसिस का मतलब क्या होता है जांच कर कभी जांच कर गए जांच कर गए वहां लिखा जाता है फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर फलाना जांच कर है। है? डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब जांच कर तो ब्लड का जांच करने पे एक चीज जब पता चले और उस पता चलने के बाद अच्छा एक बार बताओ जांच कर जाते हो पता चल गया आपका हड्डी टूटा हुआ है फिर क्या सोचते हो ठीक है पता चली गया हड्डी टूटा हुआ है बढ़ जाते हो हाथ हाथ रहा धर के बढ़ जाते हो जांच कर क्यों गए थे पता चलेगा हड्डी टूटा है तो फिर उसको ठीक करवाना है इसलिए ना जांच कर गए थे पता चल गया ठीक है।, है, है और कोई डिसऑर्डर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट तो ये जो तो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल किडनी बनाया गया है अब पहली बात की हिमोडायलिसिस में करते क्या है और उसके तौर पर ट्रीटमेंट क्या है तो सुनना ऐसे तो हिमोडायलिसिस को वर्ड रीड करने से मतलब क्या पता लगता है ब्लड का जांच करने। लेकिन बेसिकली जांच करने के बाद पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम है जो किडनी से रिलेटेड है और हमने क्या किया ट्रीटमेंट के तौर पे आर्टिफिशियल किडनी तैयार कर लिया है और जो ये, ये मेथड है ये मेथड कल आता है हिमोडायलिसिस आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट केस ऑफ वेन किडनी फेलियो प्लेस जिसका किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा है ठीक है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा किडनी फेलोर क्या होता है किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा है कई कारण हो सकता है उसका कई बार तो अचानक से हो जाता है कई बार धीरे धीरे से होता है जैसे कुछ लोग होते हैं तो दारू दारू पीते रहते हैं अक्सर तो उसके में धीरे धीरे हो रहा है क्रॉनिक ठीक है क्रॉनिक तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे हो रहा है प्रॉब्लम तो पर्सन को पता चल जाता है अगर सुधरना है तो सुधर जाए कई बार तो ऐसा होता है कि अचानक से भी होता है कि कई कारणों से ठीक है आपने कुछ ऐसा पॉइजनस पदार्थ खा लिया जो किडनी के जो ग्लोमेडुलस कपलरी होता है ना उसको जाके प्रभावित कर दिया होता है कई बार इन्फेक्शन हो जाता है अचानक से महीना दो महीना में किडनी खराब हो गया महीना दो महीना पहले बढ़िया थे और महीना दो महीना में किडनी खराब हो गई होता है लेकिन ज्यादातर एक्यूट, एक्यूट मतलब तो, मतलब मतलब तो, तो लोग दारू पी रहा है या फिर कुछ ऐसा ड्रग उग खा रहा है जो किडनी छान नहीं पा रहा है उसको प्रॉब्लम तो उस केस में भी ब्लड का कंपोजिशन बिगड़ता है और कई बार अचानक से मैंने कहा ना अचानक से किडनी के किसी पार्ट में गड़बड़ी हो गया तो भी तो देखो किडनी खराब होगा तो प्रॉब्लम कहा आएगा कि ब्लड का कंपोजिशन चेंज होगा राइट अब अब मान लो कि आदमी को कैसे पता चलेगा कि किडनी खराब हो गया किडनी अंदर से चिल्ला के तो नहीं बोलेगा कि हम खराब हो चुके हैं मान लो पर्सन को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या फॉर एग्जाम्पल पर्सन को यूरिन जाना ही नहीं पड़ रहा है यूरिन जाता है करके तब भी नहीं होता है या फिर मान लो पर्सन को आ, आ, मन भरा सा लगता है Uh, अंदर से वॉमिटिंग जैसा मन करता है तो जब पर्सन को ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं ना या फिर पर्सन को भूख बहुत ज्यादा लगता है या नहीं ही लगता है ऐसा कुछ तो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर के पास आने के बाद कॉमन टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट सबसे पहले ब्लड टेस्ट कर तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर ब्लड में यह पा लिया जाए कि ब्लड में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बढ़ गया है और ह्यूमन है तो खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ गया है डॉक्टर समझ जाता है इसका किडनी खराब है जैसे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट पड़ता है डॉक्टर बोलता है कितना दिन से दारू पी रहे हैं अब आदमी को ये समझ नहीं आता है कि डॉक्टर को कैसे पता चला कि हम दारू पीते हैं अरे भैया डॉक्टर पढ़ लिया आपका रिपोर्ट में नाइट्रोजन स्पेस बढ़ गया है अब वो आपसे पहले उगलवा लेता है आपको प्रॉब्लम कितना दिन से आ रहा है आप पहले बोलते थे साल दो साल से तो ये क्रॉनिक है एक्यूट तो नहीं है ठीक है क्रॉनिक है तो अब वो बोलता है कि दारू कितना दिन से पी रहे हैं आपको प्रॉब्लम तो साल दो साल से आ रहा है दारू कितना दिन से पी रहे पांच साल से दारू पी रहे हैं कितना दारू पी रहे बोलता है सुबह उठते हैं तो नाश्ता है, तो में दारू दोपहर में लंच में दारू रात को डिनर में दारू सोने से पहले दारू सोने के बाद दारू सोते हैं दारू पे बैठते हैं दारू पे सब कुछ दारू तब जाके किडनी खराब हुआ है ठीक है साहब अब क्या करें वो समझ गया कि मेरा किडनी खराब डॉक्टर बोला कि देखिए दो बातें हो सकती है या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए अगर पैसा है बहुत तो बोलता है नहीं हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तो बोले ठीक है किडनी को बचाने का प्रयास करते हैं बोले ठीक है कीजिए तो कैसे करेंगे तो बोले आपको जब जब हम बुलाएंगे हॉस्पिटल आपको आना पड़ेगा बोले बुला के क्या करेंगे बोले आपके अभी किडनी खराब है उसका तो अलग ट्रीटमेंट चलाएंगे किडनी ठीक हो जाए और अभी आप अगर ये वेट करोगे कि आपका किडनी जब तक ठीक हो जाए तब तक हो सकता है आप मर जाओ बोलेगा है बोले हाँ तो बोले तब क्या करें किडनी ठीक जब तक होगा तब तक हम मर जाएंगे तो तो बोले कोई बात नहीं है मरोगे इसलिए क्योंकि आपके ब्लड का कंपोजिशन टॉक्सिक होता जा रहा है तो जब तक किडनी आपका ठीक होगा वेट करते हैं जब तक ठीक होगा उसका अलग दवाई चलाएंगे अलग ट्रीटमेंट चलाएंगे लेकिन टाइम टू टाइम आपके ब्लड को हम छानेंगे आपका ब्लड बहुत कचरा हो गया है बोले कैसे छानोगे छन्नी लगा के तो बोले नहीं छन्नी लगा के नहीं छान हमने पढ़ाई कर रखी है और हमें पता है किडनी जैसे छानता है आपके ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को हम उसी प्रकार से आपके ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट छान लेंगे तो बोले आप ब्लड निकालोगे मेरे बॉडी से बोले हाँ आपके बॉडी का पूरा ब्लड निकाल लेंगे बोले मरेंगे नहीं बोले नहीं नहीं आपके बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के फिर आप ही के बॉडी के ब्लड में घुसा देंगे बोले कैसे होगा बोले ठीक तो है आइए हमारे यहाँ मशीन है तो वो पर्सन आता है फॉर एग्जाम्पल की ठीक है तो अब मान लो कि मशीन है पर्सन आया तो पर्सन का किडनी से रीनल आर्टरी जो है रीनल आर्टरी वहां पे एक फाइन टाइप का ऐसे भोगता है डॉक्टर ठीक है एक्सपर्ट होते हैं ऐसा नहीं कि तुम करने लग गए जाके बेसिकली उसको आर्ट्री के साथ कनेक्ट करना होता है ठीक है तो आर्टरी के साथ ढोंक दिया वहां से एक पाइप निकल गया मतलब पूरा का पूरा ठीक है अब वो पाइप जुड़ा है रहता है उस मशीन से ठीक है इस मशीन के अंदर पूरा फ्लूड भरा रहता है थोड़ा चैंबर टाइप का रहता है मोबाइल मतलब मान लो कि चौड़ा है ठीक है कैसे बताऊं ये मान लो ये ठीक है तो इस ये पूरा क्या है चैंबर है ठीक है तो इधर से रीजनल पाइप लेके निकला और इसके अंदर घुस गया इसके अंदर पूरा फ्लूड भरा हुआ है इसके अंदर पूरा फ्लूड भरा हुआ है और इसके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है उस फ्लूड में सेम वही कंपोजिशन है जो इस पर्सन के ब्लड में है बट एक चीज नहीं है इसमें क्या नहीं है नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है समझना ध्यान से और ये जो ट्यूब गया है ना ये ट्यूब बेसिकली एक ऐसे मेम्ब्रेन का बना हुआ है जिससे मटेरियल छन सकता हो एक मिनट क्या हो गया? हाँ ठीक है ये ट्यूब जो इसके अंदर गया है वो ऐसे मेम्ब्रेन से बना हुआ है जिससे मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता हो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलोफेन ट्यूब क्या कहते हैं मतलब उस पूरे ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब ध्यान से तो पर्सन का रीनल आर्टरी से पाइप निकाले और पाइप को घुसेर दिए घुसेर क्या दिए इसमें ऑलरेडी वो टस्ट है बस इस पाइप को उसके रीनल आर्टरी से कनेक्ट कर दिए तो आप बोलोगे सर ब्लड पर्सन का बॉडी से बाहर निकल जाएगा पूरा और इसमें आने लगेगा इस ट्यूब से इधर जाने लगेगा हाँ जाने लगेगा रुको फिर इधर से एक पाइप निकला होता है उस पाइप को पहले ही उसके रीनल वेन से जोड़ के रखते हैं किससे जोड़ के रखते हैं रीनल वेन अब देखो भैया अगर आपको रीनल वेन रीनल आर्टरी नहीं पता तो जाके किडनी पढ़ो पहले ठीक है तो इधर रीनल आर्टरी से होती है कि इसमें जितना भी इसमें जो फ्लूड होता, उसको बोलते हैं फ्लूड. क्या बोलते हैं उसको डायलेजिंग फ्लूड कंपोजिशन पूरा वही होता है जो ह्यूमन का ब्लड का होता है बस इसमें नाइट्रोजनस नहीं होता है ठीक है अब समझना अगर इस पर्सन का ब्लड गंदा है नाइट्रोजन ज्यादा है

कहा कहां जाएगा ब्लड से, क्या? फिर से, से। है, जब इसके अंदर गया तो इस ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट है लेकिन इस डायलेजिंग फ्लूड में नहीं है तो आपको ये बताना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाएगा जहां नहीं वहां से

फिर वो ब्लड पर्सन के किडनी में ही पहुंच गया कितना बढ़िया आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम किया ये तो डब्बा है टाइटन का वहां मशीन होता है बड़ा सा मशीन होता है कभी हॉस्पिटल में जाओ ना तो ताक झांक जो करते हो ना बढ़िया बढ़िया चीज भी देख के आया करो हॉस्पिटल जाके इधर उधर जो घूमते घूमते रहते हो तो ये सब चीज देखा करो वहां डायलेजिंग यूनिट आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा हीमोडायलिसिस कराते हैं लोग इसलिए इस डायजिंग फ्यूनिट को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी और कई सारे शराबियों के लिए खास करके तो के लिए वरदान बन चुका है ये जो मरने वाला होता है उसको भी बचा लिया जाता है ठीक है उसका ब्लड छाना जाता है और तब तक अगर किडनी ठीक हो गया तो ठीक है अदरवाइज नहीं ठीक हुआ ट्राई किए नहीं हुआ नहीं हुआ तो बाद में किडनी ट्रांसप्लांट कर देते लेकिन पर्सन बच जाता है तो ये आजकल ये हिमोडायलिसिस वरदान साबित हो गया है ऐसे पर्सन के लिए जिसका किडनी खराब हो गया किसी कारण से ढंग से काम नहीं कर रहा है अब समझना इससे दो क्वेश्चन आता है बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड 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 क्लोटिंग तो मैं आपको बोलूंगा ह्यूमन बॉडी से ब्लड बाहर निकलते ही ब्लड क्लॉट हो जाता है इसका रीजन भी दूंगा don't worry. तो आप बोलोगे बॉडी से ब्लड निकला है तो जम जाएगा इसके अंदर आने के बाद क्योंकि काफी देर तक बाहर रहा तो जम जाएगा बात तो सही है यार ब्लड तो जम जाएगा फिर तो ब्लड किसी काम का नहीं क्या करेंगे मतलब, क्या किया जाए जब ब्लड इससे निकालते हैं तो यहां पे हम लोग ब्लड एंटी कोगुलेंट डाल देते हैं क्या डालते हैं ब्लड एंटी कोगुलेंट और एक ब्लड एंटी कोगुलेंट है जिसका नाम है हिपेरिन हिपेरिन आपकी बॉडी में भी बनता है जब ब्लड आपके बॉडी में ऑलरेडी रहता है अंदर तो ब्लड नहीं जमता है कारण हिपेरिन बना रहता है लेकिन जब ब्लड बॉडी का बाहर आता है तो वह हिपेरिन डिजॉल्व हो जाता है रिएक्शन करने के बाद हिपेरिन उतनी मात्रा में नहीं रहती है आपको मैं पूरा बताऊंगा ब्लड कैसे क्लॉट हो जाता है हो जाता है बेसिकली लेकिन अगर, में बताएंगे. बनाते है अगर बे। ठीक है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म से में जीन दल दल के, उसे बना बना के, निकाल के भर के रखते हैं ठीक है तो जैसे ब्लड इसमें आए ना तो इस पाइप में इंजेक्शन से डाल देते किस में? वो पाइप जो आर्टरी से आया है आते ठीक है अब ब्लड इसके अंदर गया छना तो यानी कि ब्लड नहीं जमेगा क्योंकि आपने क्या कर दिया इसमें ब्लड एंटीकेंट डाल दिया हिपेरिन खूब सारा डाल दिया लेकिन एक बात बताओ अगर यही ब्लड चला गया बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर चला गया जिसमें हिपेरिन बहुत सारा है तो कल को अगर उस पर्सन को कहीं कट लगेगा तो ब्लड जमने देगा हिपेरिन जमने देगा क्योंकि आपने तो हिपेरिन ठूस दिया है ना पकड़ के हमारे ब्लड में इतना ही हीपेरिन होता है कि एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एक्टिव हो जाए जब वो बॉडी का कॉन्टेक्ट में आता है ब्लड तो सुना ऐसे दो बातें होगी जब ब्लड आपने निकाला उसकी बॉडी से बाहर तो हिपेरिन एक्सेस कर देना है इतना एक्सेस कर देना है कि ब्लड क्लॉट ना हो तो आपने हिपेरिन का इंजेक्शन ठोक दिया और इसके अंदर ब्लड इसके अंदर आके जमा नहीं ब्लड का छन्ना होना छन्ना होना था हो गया अब ब्लड इसके बाहर निकला तो उस पाइप में एंटी हिपेरिन ठोक दो इंजेक्शन क्या ठोक दो एंटी हिपेरिन जो हिपेरिन से रिएक्शन करके जो आपने जितना एक्स्ट्रा हिपेरिन डाला है हिपेरिन से रिएक्शन करके हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर दे और अब वो ब्लड रीनल वेन में चला जाएगा आपका काम भी हो गया सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा समझ में आपको जाने का ताजुब होगा कि कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी किडनी की तरह काम किया ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम किया और पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा साइंटिस्टों ने रिसर्च किया डॉक्टरों ने जो अनुभव किया प्रैक्टिस किया तो यह पता चला कि हम एक काम और कर सकते हैं मान लो कि इसका हम इस पर्सन का, का क्या कर रहे हैं ब्लड छान रहे हैं अगर इस पर्सन को बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है ये काम भी हम कर सकते हैं कि उसको न्यूट्रिएंट डाल दें और ये काम भी हिमोडायलिस में ही कर सकते हैं बोलो कैसे बताना पियक्कर का ब्लड निकाल हम तो ब्लड में ज्यादा क्या था नाइट्रोजनस वेस्ट और ब्लड के जैसा सेम कम्पोजिशन रखे थे में बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डाले थे तो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से चला गया किसमें हिमोडायलिंग फ्लूड में अगर हम ये चाहते हैं कि पियकर के ब्लड में और न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाए ठीक है और वो ब्लड उसके बॉडी में एंटर करे तो राशरी बताएगी इसके लिए मुझे क्या करना होगा

तो यहाँ पे उसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा और वो पर्टिकुलर न्यूट्रेंट हिमोड फ्लू से ब्लड में आ जाएगा और देन वो ब्लड तो तो डाला, डाला और नाइट्रोजन फेस्ट कहां से कहां गया तो नाइट्रोजन फेस्ट गया ब्लड से हिमोडाइलिजिक फ्लूड और अगर आप न्यूट्रेंट एड करोगे तो वो जाएगा हिमोडाइल फ्लूड से ब्लड में

चलिए इसको जल्दी से पढ़िए और अगले मीटिंग में हम एक्टरी को खत्म करते हैं